हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। अब इस पर सियासी संकट जो है वो खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है वो अल्पमत में है। दुष्यंत चौटाला को भी इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दी और कहा कि गवर्नर को लिख कर दे, बी टीम बनकर काम ना करे। उसके बाद कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलेंगे, राष्ट्रपति शासन की जो है वो मांग की जाएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान है। आपको बता दें कि बीते कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तीन निर्दलीय विधायक भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सरकार को गिराना चाहिए और उसमें जेजेपी उनकी मदद करेगी। इस पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला को, जो डिप्टी सीएम रहे पूर्व में, उन्हें भी नसीहत दी कि बी टीम बनकर काम ना करें। अल्पमत में प्रदेश की वर्तमान सरकार है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला को गवर्नर को लिख कर देना चाहिए, बल्कि और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने है, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा पत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू पता। तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? जब मेजोरिटी कहता है 88 में 45 के खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा है सरकार का। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? मांग लिया, राष्ट्रपति शासन मांगा, मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी सरकार में अब अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ कदम उठाए, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछला अविश्वास प्रस्ताव जो है पिछली सरकार के खिलाफ था, नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 MLAs आज हरियाणा विधानसभा के, 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार। तो क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी? इसी सवाल पर कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा का जो है बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में भरत भूषण बत्रा ने कहा कि जेजेपी चाहे तो बीजेपी सरकार गिर सकती है, राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र लिखे, बीजेपी सदन में अल्पमत में है, उसको सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बत्रा ने ये भी साफ किया कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, जेजेपी का समर्थन नहीं लेंगे।
सबसे पहले तो ऐसा कोई प्रिवीजन नहीं है रूल्स के अंदर के छः महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। वो जब सदन बुलाएंगे सदन की कार्रवाई की बात करती है। आज पोजीशन डिफरेंट है, आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत करता है, 30 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 विधायक बीजेपी के हैं, 3 विधायक आर एस गोरन, धर्मपाल गुंदरवाल और सोमवीर सांगवान ने कल गवर्नर को लेटर लिख दिया कि हम सरकार से विड्रॉ करते हैं। 44वां अभय चौटाला और 45वां बलराज कुंडू, 88 का हाउस है और 88 हाउस के अंदर 45 अगेंस्ट है और 43 इस टाइम बीजेपी अरेंज करती है। गवर्नमेंट हैज़ गॉन इन अल्पमत के अंदर माइनॉरिटी में आ चुकी है और लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। गवर्नर अगर चाहे तो एक दिन का सदन बुला लें और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी ये कहें कि अपनी माइनॉरिटी पूर्ण करें, क्योंकि उस टाइम 3 विधायकों ने उनको समर्थन दिया था, आज 3 विधायकों ने छोड़ दिया है। उस समय हाउस 90 का था, आज हाउस 38 का है। सीधा प्रत्यक्ष है कि हम विपक्ष में हम खिलाफ हैं, हम तो चिट्ठी भी लिखेंगे, सारे कार्रवाई भी करेंगे। पर जो बातें दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं कि सरकार गिराने में और प्रेसिडेंट रोल के अंदर, तो आपको पार्टी क्या यार वहाँ पर विधानसभा में पार्टी के अपनी पार्टी के लीडर हैं, आपको गवर्नर को चिट्ठी लिखनी चाहिए, चिट्ठी लिखें वहाँ पर कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं, हम इस सरकार के खिलाफ हैं। देखिए जवानी बयान है ना, जवानी बयान के अलावा कम से कम चिट्ठी तो लिखो। अब 3 विधायक हैं, उन्होंने बगैर चिट्ठी लिखी है कि हम समर्थन विड्रॉ करते हैं। हम तो ऑलरेडी विपक्ष के होते हुए हैं, हम तो वैसे ही सरकार के खिलाफ है। जिस दिन वो चिट्ठी लिखेगी उसी दिन हम भी चिट्ठी दे देंगे और मिलेंगे अगर वो हमारे। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी अल्पमत पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो स्थिति पहले विधायकों की थी वही अब भी है, अभी तक लिखित में कोई जानकारी नहीं आई है, सरकार अल्पमत में है ये नहीं कहा जा सकता, सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है। सेशन बुलाने पर भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल फैसला करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वही मान्य होगा, फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है। राज्यपाल हमारे बहुत मतलब जो संवैधानिक हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं, कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। देखिए मेरे पास अभी तक जो दलीय स्थिति है जो आज से एक महीना पहले थी वही दलीय स्थिति आज है। जहां तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 39 हैं और बाकी 40 अभी वो हाँ तो विधायक तो कम हो गए, रेजिग्नेशन तो उनका एक्सेप्ट हो गया। हाँ मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, टोटल 88 हैं। हाँ तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं वो 6 निर्दलीय हैं, एक कांडा जी हैं, वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। अच्छा अब 6 निर्दलीय हैं, एक गोपाल कांडा जी की अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी है और एक जो बाकी जो जेजेपी के हैं वो 10 अभी तक ऑफिशियल फिगर यही है। नियम क्या कहते हैं स्पीकर साहब, जैसे कल 3 जो विधायक थे निर्दलीय उन्होंने पहले पूछे थे वो समर्थन दिया था, अब क्या पहले समर्थन वापस देना होता है उसके बाद समर्थन देना होता है या कहाँ समर्थन दिया जा सकता है? देखिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका निर्णय आदरणीय राज्यपाल करेंगे, क्या उनका जो समर्थन था पहले दिया हुआ ठीक था या वापस लिया हुआ ठीक है, ये इसके बारे में राज्यपाल अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अल्पमत में सरकार है, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की, अभी सरकार पूरी तरह